हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, ये जो आरटी प्लग आप देख रहे हैं, गामा प्लग इसका नाम है। तो कभी ना कभी अगर आप भी आईबीआर वेल्डर बनते हैं तो आपको भी ये मानना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी अगर आप फ्रेंड्स पावर प्लांट में जॉब करने के लिए जाएंगे तो कभी ना कभी आपको ये मानना ही पड़ेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स, मेरा आवाज़ का थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है क्योंकि गला पूरा बैठ गया, सर्दी लगा है, फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाते रहता हूँ। तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर करिएगा। इतना तकलीफ है, गला में दर्द है, फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए, पावर प्लांट में कभी भी अगर आप जॉब मारने के लिए जाएंगे तो इस टाइप को आपको, इसको आरटी प्लग कहा जाता है या फिर गामा प्लग भी कहते हैं। तो बीएचएल का जो फ्रेंड्स जॉब रहता है उसमें थ्रेड सिस्टम रहता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दो तरह का है। यहाँ पर अभी जो हमने मारा इसमें कोई थ्रेड नहीं है, बस इसमें थोड़ा सा ग्रुप बना है और इसमें हमको टाका यहाँ पर फिट आपने टाका दे दिया है। इसको हीटिंग करके हम लोग इसमें टाका ले रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप कैसे मारेंगे और इसको क्यों आखिरी से होल को क्यों रखा जाता है, तो सब कुछ इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज़ ये वाला इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है और आप इसको काट के या स्किप करके मत देखिए, क्योंकि इस टाइप का जॉब कभी ना कभी फ्रेंड्स आपको भी मारना ही पड़ेगा। तो आप पहले से अगर सीख करके रखेंगे क्या इसका मारना है, कैसे मारना है, तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को काट के या फिर स्किप करके मत देखिए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका यहाँ आप देख रहे हैं पहले होल जो आपने देखा है, तो इसका अंदर से फ्रेंड्स ये सोर्स छोड़ा जाता है, जो एक्सरे होता है उसका सोर्स को अंदर से छोड़ा जाता है और इसी से आपका एक्सरे किया जाता है, ठीक है। मतलब इसका जो जॉइंट यहाँ पर हर जो जॉइंट होता है, बड़ा वाला जो जॉइंट होता है फ्रेंड्स, ये वाला जो आरटी प्लग आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर पावर प्लांट में देखिए जो हैवी थिकनेस का जॉइंट होता है, थोड़ा सा इसी में ये आपका आरटी प्लग दिया रहता है, ठीक है। हैवी थिकनेस बोलने से बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मैंने देखा है कि 20 mm का ऊपर का भी जो थिकनेस है उसमें भी दिया हुआ है। जो राइजर है यहाँ पर मैंने देखा, राइजर में भी इस टाइप का आरटी प्लग दिया हुआ है सभी में, ठीक है। तो ये वाला देखिए मारने के लिए उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको एक बार जो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको रूट मारा जा रहा है। इसको सबसे पहले हम लोग एक बार पतला से रूट मार लेते हैं। तो बहुत जगह में फ्रेंड्स अलग अलग होता है, कई कई जगह में डायरेक्ट आर्क में भी मार देता है 2.5 से हीटिंग करके, उसके बाद से फिर उसमें 2.5 से फिल अप फाइनल किया जाता है। लेकिन यहाँ में जो मैं बांग्लादेश में अभी आया हूँ, तो फ्रेंड्स इस टाइप के यहाँ पर टिक में एक बार रूट मारते हैं, फिर एक बार हॉट पस मारते हैं, उसके बाद में फिर इसमें 2.5 से हमने यहाँ पर मारा है। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर रूट चल रहा है, तो इसके बाद हम आपको मार के दिखाएंगे कि कैसे मारा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो होता है आपका, एक चीज़ याद रखना है, पावर प्लांट में ही ये वाला आपका ज़्यादातर इस टाइप का जॉब मिलता है, आरटी प्लग इसको कहा जाता है, ठीक है, या फिर गामा प्लग जो भी आप कह सकते हैं, तो इस टाइप का रहता है। देखिए, ये एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाला है, ये जो जॉइंट फ्रेंड्स है ये आपका कार्बन स्टील का जॉइंट है और ये जो बड़ा आप जॉइंट आप देख रहे हैं जिसमें इसमें आरटी प्लग लगा है, इसका आपका थिकनेस कम से कम 56 mm प्लस है, ठीक है। तो एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर पावर प्लांट में जो P91 का पाइप रहता है फ्रेंड्स, P91 का पाइप में कोई आरटी प्लग या फिर गामा प्लग नहीं रहता, वो भी बहुत ज़्यादा थिकनेस रहता है, ठीक है। लेकिन फिर उसका आरटी नहीं किया जाता है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा आरटी और यूटी में, ठीक है। आरटी मतलब रेडियोग्राफी होगा फ्रेंड्स, और जो यूटी होगा उसको थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने और अगला वीडियो बना दिया है उसमें आपको दिखा देंगे, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं यूटी कैसे किया जाता है। और एक वीडियो मैंने बना है कि एक्सरे को फिल्म को कैसे डेवलप किया जाता है, तो हर एक वीडियो मैंने बना कर फ्रेंड्स रख दिया है। थोड़ा आप चैनल में अगर विजिट करेंगे अच्छा से तो आप देख पाएंगे, सिर्फ वेल्डर बनने से भी नहीं होगा फ्रेंड्स, हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी रहना पड़ेगा, कैसे मारना है और इसका वेल्डिंग प्रोसेस क्या है, किस तरह से मारा जाता है, कौन सा जॉब को कैसे मारेंगे, कितना एमएम का रॉड से मारना है, कैसे मारना है, थोड़ा सा जानकारी आपको रहना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अच्छा आईबीआर वेल्डर या फिर अच्छा जो भी टी एन आर को वेल्डर फ्रेंड्स आप नहीं बन पाएंगे, थोड़ा सा जानकारी फ्रेंड्स आपको रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो मैंने थोड़ा सा करंट यहाँ पर ज़्यादा था, तो मैंने 2.5 में यहाँ पर करंट थोड़ा कम रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर रूट आउट पास हो गया है, तो आप 2.5 से आप 90 से लेकर के 110-120 तक मार सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने जो करंट ले लिया, यहाँ पर देखेंगे 92 से 110 कम बेसी होते रहेगा, वो आपका मर्जी है, ठीक है, थोड़ा सा कम बेसी आप करंट से मार सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैंने लगा लिया 2.5 के इलेक्ट्रॉड, और यहाँ पर देखिए रॉड का डिग्री को थोड़ा सा फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का रॉड का डिग्री आप लगा लीजिए, क्योंकि ये छोटा चीज़ है, आपको हाथ जैसे जैसे रॉड ऊपर तक उठेगा हाथ को धीरे धीरे उठाना पड़ेगा, इस चीज़ को ध्यान देना है। अगर आप एक ही तरह का रॉड लगा करके रखेंगे तो आपका जो है रॉड थोड़ा देर जलेगा, उसके बाद आपका चिपक जाएगा, तो
कभी भी अगर आप थोड़ा इस टाइप का जॉब मारते हैं, थोड़ा सा आपको ध्यान दे करके मारना, ठीक है? क्योंकि छोटा सा चीज़ है यार, यहाँ पर छोटा चीज़ में थोड़ा दिक्कत आ जाता है, क्योंकि इतना जल्दी आपको हाथ को घुमाना पड़ेगा। अगर जल्दी आप हाथ नहीं घुमाएंगे तो रॉड थोड़ा देर ऊपर तक जलेगा, फिर आपका चिपक जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा आप रॉड का डिग्री को सही लगा लीजिए और मारते हुए आराम से ऊपर से धीरे से मारते हुए आना, ठीक है? ताकि जो भी पोरोसिटी आपका रॉड जलते समय बने, वो अब जब दोबारा उसके ऊपर जलाएंगे तो वो पोरोसिटी जो है जल जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा इस टाइप का आपको भी मारना है, आप कोशिश करिए इस टाइप का मारने के लिए, आपका भी हो जाएगा। तो वीडियो को आप काट के या स्किप करके मत देखिए, क्योंकि वीडियो अगर आप स्किप कर देंगे या फिर काट देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, लेकिन मैं यार मेरा भी तकलीफ है, मैं फिर भी देख रहा हूँ, तो आपका भी थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये आपका काम का चीज़ है। कभी भी इस टाइप का वीडियो आप देखेंगे तो ये YouTube में फ्रेंड्स पहली बार है, मैंने बहुत सारा सर्च किया लेकिन YouTube में ये वाला आपका आया ही नहीं, ठीक है? गामा प्लग आरटी प्लग मैंने बहुत सर्च किया, शायद ये वाला वीडियो मेरा पहला होगा जो कि आरटी प्लग का होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी रहना पड़ेगा, ठीक है? यार इसको कैसे मारना है, कभी ना कभी अगर आप आई बी आर वेल्डर बनेंगे या फिर नहीं भी आई बी आर वेल्डर बने, अगर आप ई एल पी वेल्डर में भी विदेश जाएंगे पावर प्लांट में जॉब करने के लिए, तो दुबई जाइए या फिर सऊदी जाइए, जो भी कंट्री जाइए, अगर पावर प्लांट में हम जाते हैं तो फ्रेंड्स कभी ना कभी आपको इस टाइप का जॉब मारने के लिए पड़ेगा, ठीक है? जॉब आपको मारना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप टेंशन मत लीजिए, आपका भी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अभी आर का रॉड लगा लिया है और यहाँ पर हमने मारते हुए अभी जा रहा है, ठीक है? तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा, हाथ थोड़ा सा आपको ऊपर उठाना है, ठीक है? ये नहीं कि आप जैसे बैठे वैसे मारना है, थोड़ा थोड़ा आपका हाथ उठते जाएगा, ठीक है? हाथ ऐसे उठाते जाइए और आप मारते जाइए, ठीक है? तो आपका भी हो जाएगा। तो आप कोशिश करिएगा इस टाइप का जो आपको ऐसे मारने के लिए, तो आपका सही रहेगा, ठीक है? तो आप ऐसे मार लीजिए, फिर दो तीन बार आपको मारना है, फिर थोड़ा फिलअप टाइप का कर देना है, लेवल टाइप का आपको करना है। उसके बाद जब लेवल हो जाएगा उसके बाद ही आपको फाइनल मारना, ठीक है? वो चीज़ का आपको ध्यान देना। देखिए अभी उधर से मैंने मार दिया, अभी इधर से मारा, ठीक है? तो ऐसे आपको भी मारना है, ठीक है? तो धीरे धीरे मारते मारते आपका भी हो जाएगा। आपको शुरू में फिर जब मैं भी मार रहा था, थोड़ा सा हमको भी टेंशन हो रहा था, डर लग रहा था कि कैसे मारेंगे यार इसको, मैंने कभी नहीं मारा। तो मेरा यहाँ पर नहीं, मैंने काफ़ी दिन से मैं फ्रेंड्स बॉयलर में ही जॉब कर रहा हूँ, ज़्यादातर मैं पावर प्लांट में ही जॉब करता हूँ, तो मुझे मालूम है कैसे मारना है। अगर बहुत जगह में तो नाट थ्रेड सिस्टम रहता है, ठीक है? थ्रेड रहेगा, घुमा घुमा के पूरा फुल टाइट कर देगा और उसमें ज़्यादा वेल्डिंग नहीं होता, वो पूरा वेल्डिंग से ढक दिया जाता है। लेकिन फिर ये वाला जो गामा प्लग है, ये जो आर टी प्लग है, इसको पूरा ढाका नहीं जाता, ठीक है? इसको जैसे हम लोग पाइपिंग में वेल्डिंग मारते हैं, जो आपका फ्लांज जॉइंट मारते हैं ना फ्रेंड्स, उसी टाइप का है। इसको भी वेल्डिंग मारना पड़ेगा, फ्लांज टाइप का मारना पड़ेगा। इसको हम लोग पूरा भर नहीं देंगे, ऊपर से इसको कवर नहीं कर देंगे, बस जैसे फ्लांज मारते हैं वैसे इसको मारते जाना है, ठीक है? थोड़ा सा आपको अच्छे से ध्यान देना है। देखिए मैंने अभी यहाँ पर एक लेयर मार दिए थे फिलअप, ठीक है? फिलअप नहीं, सॉरी, उसका मतलब एक बार मार दिए, ठीक है? अभी दूसरा बार एक मार दिए, फिर अभी यहाँ पर इसको भर देंगे, अभी फिलअप करेंगे, ठीक है? ये अभी लेवल हो जाएगा, देखिए यहाँ पर अभी लेवल हो जाएगा। तो आपको भी ऐसे लेवल टाइप का कर लेना है, ठीक है? रॉड का डिग्री आपको सही से लगाना है और ऐसे आपको मारते जाना है, तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है? आप चिंता मत करिए, आप भी मार पाएंगे, कोई टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप का जॉब मारने के लिए थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, लेकिन शुरू शुरू में दिक्कत होगा, ठीक है? लेकिन मारते मारते आपका आदत बन जाएगा, ठीक है? आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम इस टाइप का पूरा जॉइंट में मार देते, देखिए यहाँ पर अभी पाइप के साथ ये अगर सीधा मांबे गए तो ये आपका लेवल टाइप का हो गया। यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे, देखिए फिलअप टाइप का हो गया ना, आपको यहाँ से अगर सीधा देखेंगे तो यहाँ पर फिलअप हो गया, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखाएंगे आपको, तो ये फ्रेंड्स इस टाइप लेवल कर देना है आपको भी, ठीक है? लेवल कर देना है। मेरा आवाज़ बैठ गया, लेकिन मैं ज़ोर से बहुत बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं बोल पा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्या करेंगे, सर्दी ज़्यादा लग गया, ठीक है? तो वीडियो बनाना भी ज़रूरी है, नहीं तो आपको थोड़ा सा कौन समझाएगा फ्रेंड्स। क्योंकि देखिए मैं जब शुरू में आई बी आर बना था तो यूट्यूब में इस टाइप का वीडियो मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन नहीं देखा था, कोई भी इतना इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा था, ठीक है? तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि मेरा रहते हुए आपको कोई भी दिक्कत ना हो जाए और आपको हर एक चीज़ में मैं सपोर्ट करने के लिए कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स। लेकिन मैं भी एक जगह में जॉब करता हूँ तो उतना ज़्यादा मैं आपको कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर पाता हूँ। मेरा ड्यूटी है यार, 12 घंटा ड्यूटी है, उसके बाद मैं रूम में आता हूँ, नहाते धोते यार 10 बज जाता है, ठीक है? रेडी करते करते कभी 9-10 बज ही जाता है, तो फिर भी रात जाग के मैं थोड़ा सा एडिटिंग करके फिर अपलोड करता हूँ। तो थोड़ा सा यार आप लोग भी थोड़ा सा एक लाइक और एक कमेंट करिए, ताकि हमको भी वीडियो बनाने के लिए आगे थोड़ा सा उत्सुकता हमको मिल सके कि हाँ भाई वीडियो में लाइक आ रहा है, थोड़ा सा सब्सक्राइब बढ़ रहा है। तो मेरा भी जो चैनल का है फ्रेंड, बहुत आदमी वीडियो तो देखता है लेकिन कोई चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम करता है। यहाँ पर अगर देखेंगे
तो बहुत यार सब्सक्राइब को जो नहीं किया है वो 90% देखता है, बाकी 10% वाला जो है सब्सक्राइब है हाँ किया हुआ देखता है। तो थोड़ा सा प्लीज़ यार जो भी देख रहा है वीडियो को यार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब करके और लाइक को जरूर कर दीजिए, ठीक है। और अगर कोई इस टाइप का काम आपका सीखना चाहता है, जो भी आपका दोस्त है, तो थोड़ा सा आप उनके पास भी इस वीडियो को देखने का मौका कर दीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जो है जॉब में यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप का एक साइड में मेरा फिलअप हो गया, ठीक है, इधर से भी फिलअप हो गया, हाँ तो दोनों साइड से हो गया, यहाँ पर एक साइड नहीं दोनों साइड से हो गया है। तो अभी फिलअप के बाद यहाँ पर अभी फाइनल यहाँ पर चालू होगा, ठीक है। तो इस टाइप के जॉब के लिए मैंने 2.5 का रॉड को लिया है फ्रेंड, तो 2.5 का रॉड से इसको 3 लेयर में हम फाइनल करेंगे, ठीक है। तो पहला लेयर, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो यहाँ पर वीडियो में आप बने रहिए ताकि आप फाइनल भी देख पाए, और आप रूट मारना देखा, फिलअप करना देखा, ठीक है, आप फाइनल देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले पाइप का तरफ में आपको एक लेयर मार लेना, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पर एक रॉड जला दिया है, ठीक है, पाइप का तरफ में एक लेयर मार लिया। उसके बाद दूसरा रॉड जो जलेगा, जो आपने मारा है उसका आधा में टच करके फिर ऊपर बढ़ना, ठीक है। यहाँ पर अगर फिर देखेंगे तो मैंने एक लेयर पाइप के तरफ से मारते हुए बाहर आ जाएंगे, ठीक है, ये नहीं कि मैं इधर से मार रहा हूँ। तो पाइप के तरफ मार के फिर आपको इधर से ऐसे मारते मारते आपको बाहर साइड आ जाना है, ठीक है, 2.5 से, ताकि मारने में थोड़ा सा आसान रहेगा, थोड़ा दिखने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। क्योंकि ये भी आपका फ्रेंड्स इसमें तो एक्सरे नहीं होगा, लेकिन ये वाला जॉब में फ्रेंड्स आपका जो है आपका डीपी टेस्ट होगा, ठीक है, डीपी टेस्ट होगा, मतलब इसमें स्लैक है या पोरोसिटी है इसमें इसको भी चेक होगा, ठीक है। ये जो होल छोड़ा गया था वो ये जॉइंट का एक्सरे करने के लिए छोड़ा गया था, लेकिन आप इसको जो मारा इसका भी फ्रेंड्स डीपी टेस्ट होगा, ठीक है। तो डीपी टेस्ट कैसे किया जाता है इसके लिए भी मैंने वीडियो बना दी है, आप मेरा चैनल में विजिट करके देख सकता है कि डीपी टेस्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे, देखिए मैंने अभी यहाँ पर 2 लेयर मार दिया, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप ध्यान लगा के देखेंगे तो यहाँ पर अभी 2 लेयर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लेयर हो गया, अब इधर से भी 2 लेयर मारेंगे, फिर इधर से 3 लेयर, तीसरा लेयर चालू करके ऐसे करके इसको मारना है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, मैं बहुत काटने के या फिर स्पीड बढ़ा करके मैं नहीं किया हूँ, थोड़ा कोशिश किया जल्दी जल्दी बनाने का, लेकिन वीडियोस फास्ट करके या फिर स्पीड बढ़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि आप समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा, दिक्कत होगा, ठीक है। मैं आप ही के लिए कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में वीडियो बना दे, लेकिन यार ऐसा इस टाइप का जॉब में ना वीडियो थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि टाइम लेंथ बड़ा हो जाता है, मैं क्या करेगा हमारा भी समझ में नहीं आता है, तो ज़्यादा काट देंगे फिर मैं समझा नहीं पाता हूँ, तो मुझे यार ख़राब लगता है वो, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अगर आप इस टाइप का जॉब में अगर एक तरफ जहाँ पर आप मारना सीख गए ना, तो आप दोनों तरफ मारना सीख जाएंगे, कोई भी पाइपिंग का जॉब हो या फिर कोई भी इस टाइप का गामा प्लग हो, आरटी प्लग हो, अगर आप कोई भी आधा एक पोजीशन का आप सीख जाएंगे आधा, तो फिर वो सेम आपका दोनों साइड का मार पाएंगे, क्योंकि सेम पोजीशन आता है फ्रेंड्स। जैसे आप आधा मारना सीख गए तो मैंने कि आप फुल जॉइंट मारना सीख जाएंगे, ठीक है। तो सेम आपको तरीका को अपनाना है, इधर से जैसे आप मार रहे हैं बिल्कुल उधर से भी वैसे ही मारिए, ठीक है, तो आपका उसमें अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा जॉब में यार वीडियो बनाना बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ, फिर वीडियो बनाना कोई अगर देख भी लेगा तो मेरा नौकरी भी जा सकता है। तो थोड़ा सा आप यार आपके लिए इतना रिस्क लेता हूँ, थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए चैनल को, थोड़ा सा आप लाइक करिए, कॉमेंट करिए, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दूसरा लेयर यहाँ पर कम्प्लीट हो गया है, देखिए फ्रेंड्स अभी यहाँ पर दोनों साइड का आपका दो दो लेयर कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर अभी लास्ट लेयर है, ठीक है, तो लास्ट लेयर के लिए थोड़ा सा आपको अच्छा से मारना पड़ेगा, क्योंकि तीनों लेयर अच्छा से मारना है, लेकिन लास्ट वाला थोड़ा सा ध्यान देकर के आपको आराम आराम से मारते जाना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक मार्कर था, तो मैंने आपको मार्कर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए तो इसको आपको ये जो आप साइड वाला लेयर को मारे हैं इसमें आधा ले करके आपको चलना है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान देना, ठीक है। तो आधा ले करके आपको जाना है और एकदम ऊपर टॉप तक इसी पोजीशन में मारना है, फिर एक साइड जैसे हो जाएगा फिर आपको अपोजिट में वैसे मारना है, तो आपका अब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहे तो 4 बार में भी मार सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 लेयर में मारा है, तो आपको जैसे सुविधा रहेगा आप वैसे मार सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस टाइप का आपको मारना, देखिए तो ब्लैक ग्लास यहाँ पर लगा करके आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अभी लास्ट लेयर चल रहा है, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए, और आप कौन सा वेल्डर बनना पसंद करके हमको कमेंट करके जरूर बताइए, आपका टिग एंड आर्क वेल्डर बनना चाहता है या फिर आर्क वेल्डर बनना चाहता है, कमेंट करके जरूर बताइए। और फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजा दीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।